क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोगों ने चार पार्ट में फंक्शन को देखा है। आज हम लोग उस फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। पहले डोमेन सीखेंगे, उसके बाद फिर रेंज निकालना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने केवल ये जाना है कि फंक्शन क्या होता है, तो पहले डोमेन सीख लेंगे, फिर रेंज सीखेंगे, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन चलेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक्स में नोट कर लें, डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। आइए जरा इसको हम आज बताते हैं कि किसी भी फंक्शन की डोमेन अगर फाइंड करनी तो हम लोग उसे कैसे निकालते हैं। डोमेन का मतलब होता है रेंज निकालना, इसको हिंदी में बोलते हैं रेंज। रेंज की बोल रहा हूं सर, डोमेन का मतलब होता है प्रांत। डोमेन का मतलब हिंदी में होता है प्रांत, ठीक है, उसे इंग्लिश में ही समझ में जाते अच्छा है। अच्छा, पहले समझते हैं कि डोमेन है क्या। इसमें एक दो बातें छोटी छोटी लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इसका मतलब ये है, x की वह वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है उस वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। ध्यान दें, डोमेन का मतलब x की वैल्यू से है और रेंज का मतलब y की वैल्यू से होता है। फिर आज हम डोमेन पढ़ रहे हैं, वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। x का वह मान जिस पर फलन परिभाषित होता है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेना, x का वह मान जिस पर फलन परिभाषित हो उसे डोमेन कहते हैं। वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड। और इसी में एक सेकेंड बात और लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या है, डोमेन एक एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। इसका जरा मतलब समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितनी दूर तक फैलता है उस सारी वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं। जैसे कोई ग्राफ अगर ऐसा होता, मान लो कोई ग्राफ अगर ऐसा होता तो इस ग्राफ को देख करके हम ये बता सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या है। ये ग्राफ इधर गया है आपका माइनस इंफाइनाइट तक और इधर गया है प्लस इंफाइनाइट तक, तो इसमें इस एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू हम लोग देखते हैं उसे डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन हम बोलेंगे कि डोमेन हमारा माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट है, मतलब इस ग्राफ के लिए जो डोमेन बनने वाला है वो डोमेन इस फंक्शन का होगा आर बोलें, या इसी को हम लोग माइनस इंफाइनाइट टू इंफाइनाइट भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये ग्राफ किसका बनाया है मैंने, इस ग्राफ को अभी मैं आगे आपको कई तरह के ग्राफ बनाना बता दूंगा कि ग्राफ बनाते कैसे जानते हैं किस फंक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो डोमेन में अपने पास दो बातें हो गई, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स का वह मान जिस पर फलन परिभाषित हो उसे डोमेन कहते हैं, डोमेन इज एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ग्राफ का जो फैलाव है उसे भी डोमेन कहते हैं, और डोमेन एक और बात को भी कहते हैं, उसको ही मैं अपनी बात रख देता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चंस लगाते समय बहुत ही उपयोगी है। एक तीसरी बात और लिख लें, सेट ऑफ प्री इमेज डोमेन इज
डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास इस तरह का कोई फंक्शन था और इस फंक्शन में हमने एक फंक्शन बना दिया इस तरह का, ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 है, इधर आपका ए बी सी डी है, ये फंक्शन आपके पास मैंने दे दिया। मान लीजिए इसकी डोमेन आपसे पूछी जाए तो मैंने लिखा है कि डोमेन इज सेट ऑफ प्री इमेज, आप ध्यान दें ये इमेज होती है जिस पर एरो जाकर के मिलती है उसे हम लोग इमेज बोलते हैं, और ये जिसकी इमेज बनी है मतलब ए जो है 1 की इमेज है, बी जो है 2 की इमेज है, सी 3 की इमेज है, तो इन्हें बोलते हैं प्री इमेज। इनका क्या नाम है? प्री इमेज, इनका नाम प्री इमेज है। तो प्री इमेज को भी डोमेन बोलते हैं, मतलब ये आपका डोमेन है। तो वैसे भी हम इसे बता चुके हैं कि इस जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं कि इस सर्किल के एलिमेंट को हम लोग डोमेन ही बोलते हैं, ये वही डोमेन की बात कर रहा हूं। मतलब डोमेन के लिए आपको तीन बातें आप ठीक से याद रखें तो डोमेन हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर किसी फंक्शन में हम ये बता दें कि x से किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है तो वो उसका डोमेन हो जाए, या अगर वो ना बता पाए तो हम ये बता दें कि x एक्सिस पर वो ग्राफ कितना एक्सटेंशन है, ग्राफ कितना x एक्सिस पर फैला है, तो वो उसका डोमेन हो गया। या हम लोग सेट ऑफ प्री इमेज निकाल लें तो सेट ऑफ प्री इमेज निकाल करके भी हम डोमेन बता सकते हैं। आज मैं आपको तीन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड बता रहा हूं। डोमेन तीन तरह के क्वेश्चन आज सॉल्व करना बता रहे हैं कि अगर कभी जिंदगी में कुछ तीन तरह के क्वेश्चन दिखाई दे दें तो हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डोमेन में हम तीन टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें पहला टाइप ये, अगर कभी आपके पास रिमार्क लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई फंक्शन 1/ या ये अंडर रूट या फिर जैसे आ जाता है, ये पहला टाइप, और दूसरा टाइप इसका है 1/ एफ एक्स आ जाता है, और तीसरा टाइप है इसका 1/ अंडर रूट एफ एक्स आ जाता है। मैंने तीन टाइप के फंक्शन लिखा है, 1/ ये अंडर रूट एफ एक्स, 1/ एफ एक्स एंड 1/ रूट एफ एक्स। आपके पास अगर कभी भी इस तीन तरह के फंक्शन मिलते हैं तो डोमेन कैसे निकालते हैं इसे जरा ध्यान से समझ लें। मैं तीनों पर कुछ क्वेश्चन नहीं करके दिखा दूंगा। जैसे अगर मुझसे इस तरह के फंक्शन की देकर के डोमेन पूछी जाए तो ये फंक्शन डिफाइन होने के लिए एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 मांगेगा, तो हम इसे लेकर के चलेंगे। अगर कभी आपके पास 1/ एफ एक्स आता है तो ये मांगता है एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसे लेकर के आ जाए, और अगर अंडर रूट 1/ रूट एफ एक्स आता है तो फिर आप एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे। ये बात ऐसा क्यों? अंडर रूट के कारण आप एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेना चाहिए, 1/ एफ एक्स के लिए एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 लेना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0 आप इसमें से हटा देंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के बराबर मिल जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिख करके दिखाता हूं कि सर सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपसे किसी ने क्वेश्चन मांगा, ध्यान से देखें, मैं तीनों पर एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डोमेन ऑफ, आपसे डोमेन मांगी गई है अंडर रूट 4x+5। मान लो इसकी डोमेन किसी ने पूछा तो इसकी फोटो बिल्कुल इसके जैसे है, ये जो अंडर रूट 4x+5 मैंने लिखा है इसकी फोटो बिल्कुल अंडर रूट एफ एक्स जैसे है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 4x+5 है, और आप जानते हो कि ये बीमारी नंबर 1 है और इस बीमारी में इलाज क्या है इसका, एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0,
तो आप इसे लिखने वाले हो 4x plus 5 greater equal to 0। और जब आप 4x plus 5 को greater equal to 0 लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x greater equal to minus 5 और x greater equal to minus 5 by 4। तो सर आंसर कैसे लिखते हैं? आप अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक नंबर लाइन बना लें। इस नंबर लाइन पर minus 4 upon 5 upon 4 कहीं भी दिखा दें, ये मान लें minus 5 upon 4 है, equal to लगा है तो इस पर डार्क मान लें, इसीलिए मैं पहले इनइक्वालिटी पढ़ाया था। आपसे कहा है कि x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़े के लिए आप इधर जाते हैं इधर आते हैं, ये सोचिए पहले। तो आप देख लिए हैं कि इसके इससे बड़ा होने के लिए मुझे इधर जाना चाहिए, तो इधर आप जाएंगे, लेकिन सर जाएंगे कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है? माइनस 5 अपॉन 4 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, यहां डॉट वाल लगी है इसलिए यहां पर क्लोज ब्रैकेट हुआ। यही आपका डोमेन है, मतलब आप आंसर में बोल रहे हैं कि जो डोमेन आप लिख रहे हैं डोमेन फंक्शन की, वो डोमेन है माइनस 5 बाय 4 टू इनफाइनाइट। ये समझ में आ गया होगा। एक इधर देखते हैं, आइए यहां क्लियर हो जाएगा। अच्छा मान लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है डोमेन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, मान लो डोमेन इसकी निकाल ली, इसकी फोटो कैसी 1 अपॉन f जैसी, तो आप फिर बोलने वाले हो कि x स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। तब आप ये भी बोलोगे x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, मतलब x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। सर इसका आंसर कैसे लिखें? इसका आंसर बहुत इजी है, लिखना एक नंबर लाइन बनाओ, इस पर 2 और माइनस 2 को दिखा दो, यहां पर माइनस 2 यहां पर 2, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। इसने कहा क्या है कि 2 और माइनस 2 को नहीं लेना है, तो 2 और माइनस 2 पर दोनों जगह व्हाइट बार लगा लो, बस इन दोनों को छोड़ के बाकी सब तो ले सकते हैं। आंसर आप लिखो, आंसर ऐसे लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये ले लो पूरा, इसमें से 2 और माइनस 2 को हटा दो, ये इसका डोमेन हो गया। बहुत इजी है, सिंपल। आइए एक और करते हैं, किसी भी क्वेश्चन ऐसे दिया डोमेन ऑफ, आपसे डोमेन पूछा गया है 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट में पूछ दिया 4 माइनस 3 एक्स, या 4 माइनस 5 एक्स लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x वाली फोटो है, फिर आप इसे लिखते 4 माइनस 5 या x ग्रेटर देन 0। मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय कभी भी अगर x का टर्म नेगेटिव में आता है तो पहले आप उसे पॉजिटिव में बनाएं, तो आप x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 4 ये लेस देन 0 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5x less than 4 यानी x less than 4 upon 5, x की वैल्यू 4 upon 5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर लाइन में देख लो, ये 4 upon 5 है, माइनस इनफाइनाइट इधर है, आप इस वैल्यू की बात कर रहे हो, ये इक्वल टू नहीं है, यहां पर वाइट वाल है, मतलब ओपन ब्रैकेट चलने वाला है। आंसर क्या बोलोगे? इसका डोमेन क्या होने वाला है भाई? माइनस इनफाइनाइट टू 4 अपॉन 5, ये रहा आपका आंसर, माइनस इनफाइनाइट टू 4 अपॉन 5। इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज का दूसरा मेथड होगा, मैं अभी केवल डोमेन बता रहा हूं, इस तरह के डोमेन के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, फिर एक आध क्वेश्चन अभी दे देते,
एक आध क्वेश्चन मैं भी दे दूंगा कि डोमेन आप कैसे निकालेंगे, और थोड़ा सा अगर समझदारी दिखाओगे तो डोमेन निकालना आ जाएगा। डोमेन में निकाले जल्दी कोई बताता नहीं है, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और मैं आपको डोमेन निकाल करके दिखा रहा हूं। डोमेन हाँ, आइए एक क्वेश्चन और निकालते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा डोमेन ऑफ क्वेश्चन ये है डोमेन ऑफ Fx equal to log x minus 2 base 2। और जरा इसका बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसको मैं निकाल देता हूं, ठीक है। फिर अभी थोड़ी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं, रही समझते हैं। इसके लिए पहले आपको लॉग जानना चाहिए कि लॉग क्या है। तो ये लॉग के लिए मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं लॉग का क्वेश्चन निकाल करके दिखा दूंगा कि लॉग वाले कैसे बनते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानते हैं, अगर कभी ऐसे देता है तो लॉग में जो ये वैल्यू बैठती है ये ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपने देखा x ग्रेटर देन 2, तो फिर इसका डोमेन आप बोलने वाले हैं डोमेन 2 टू इनफिनिटी, बस यही इसका आंसर। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आया होगा कि मैं ग्रेटर देन 0 कैसे लिया। उसके लिए हम लोग लॉग को केवल छोटा सा इतना मैं बता देता हूँ कि लॉग एंड बेस ये जो होता है ये डिफाइन ही तब है, log n बेस a डिफाइन, कब डिफाइन है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, बस ये तीन कंडीशन अगर कभी आपको दिखाई दे तो ये log डिफाइन होता है, अदरवाइज log डिफाइन नहीं होता। अभी मैं जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक फंक्शन अपना लॉगरिथम भी आएगा, एक्सपोनेंशियल भी आएगा, तो उसमें मैं log के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से बता दूंगा। वैसे log तो पिछली कक्षाओं का चैप्टर है, वो आना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर मैं उसे बता दूंगा वहां, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया डोमेन ऑफ 1/√x-2 का स्क्वायर इंटू x+3। आइए जरा इसका डोमेन हम निकालते हैं। इसके डोमेन निकालने के लिए पहले आप ये सोचो एक फोटो किस तरह की है, 1/√f(x)1, और 1/√f(x) के लिए हम लोग सीखे क्या है, ये f(x) ग्रेटर देन 0, तब इसका मतलब आप लिखने वाले हो x-2 होल स्क्वायर x+3 ग्रेटर देन 0, और जिसे इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है वो इसको अब सॉल्व कर लेगा। इसीलिए मैं पहले इनइक्वालिटी थोड़ा सा बता दिया था, इसलिए इसमें हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी बन जाया करती है। अब इसमें इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने उसके लिए बताया था आप टर्निंग पॉइंट निकालो, तो टर्निंग पॉइंट इसका बोल दो 2 आएगा, इधर का बोलो -3 आएगा, फिर एक नंबर लाइन बना लो, इस नंबर लाइन पे 2 और 3 को रिप्रेजेंट करो, इधर आपका -3 इधर आ गया 2, इधर 2 आ गया, यहां इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो यहां पर तो आप y बार ले लो, लेकिन यहां पर सर कौन सी बार लेंगे, इसके लिए पहले इसको चेक करो, ये इवन पावर का है, इवन पावर में जब आप x=2 रखने वाले हो यहां पे तब ये 0 देगा, मतलब 0 > 0 ये संभव नहीं है, ये फॉल्स लिखा हुआ है। तो फिर यहां 2 पर भी आप एक y बार ले लो, इधर इनफाइनाइट इधर -इनफाइनाइट। अब क्या करते हैं, सबसे किनारे वाले कॉलम में प्लस लिखो, फिर ये ऑड पावर है, ये इवन पावर है, ये पावर ऑड, ये ऑड पावर कैसे देखा सर आपने, ये देखो x+3 से -3 आया था, यहां की पावर ऑड लगी हुई है,
यहाँ के लिए आर लिखा। टू कहाँ से आया था? इवन पावर से, यहाँ इवन आया था। इवन आर से फर्क क्या पड़ने वाला है? आपने पहले प्लस लिखा और अगर ये पावर इवन है तो ये प्लस फिर प्लस ही रहता है, साइन चेंज नहीं होता, इवन पर साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव लिखा और आर आ गया तो पॉजिटिव को निगेटिव लिखा। आंसर कौन सा लेना है? ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसके इधर मिलेगा, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव मिलेगा हमें माइनस थ्री से इनफाइनाइट। तो हमारा डोमेन बनने वाला है माइनस थ्री टू इनफाइनाइट, माइनस थ्री टू इनफाइनाइट। अब एक बात जरा ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइनस थ्री टू इनफाइनाइट अपना डोमेन तो है, लेकिन क्या माइनस थ्री टू इनफाइनाइट में टू आएगा कि नहीं आएगा? टू भी बीच में आता है और टू हमें लेना है क्या? टू हमें नहीं लेना है, इसलिए इस पर वायर बार बैठी हुई है, तो इसमें से हम टू को हटा देंगे और ये अपना डोमेन, ये अपना डोमेन। इस तरह का क्वेश्चन अपना कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम लोग सीख रहे हैं। जल्दी से नोट करें, इसे नोट करें, मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, ठीक है? और ये मैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, बहुत ही हल्के क्वेश्चन, पहले उसे आप कर लो तो फिर हम बड़े की बात करेंगे, ठीक है? इसको हटाते हैं। हाँ, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आप लिखें, उसमें पहला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, पहला क्वेश्चन आपके पास है डोमेन ऑफ अंडर रूट 3x-4 और इसका आंसर ही मैं लिख देता हूं। आंसर है इसके आंसर है इसका डोमेन है 4/3 टू इनफाइनाइट, ये डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है? डोमेन ऑफ छोटे-छोटे क्वेश्चन दे देता हूं, बड़े क्वेश्चन आप अभी कर नहीं पाओगे। हाँ, लिख लो, डोमेन ऑफ 1/√x²-4, डोमेन ऑफ 1/√x²-4, इसका डोमेन लिखें। आंसर इसका है, डोमेन इसकी माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू यूनियन टू टू इनफाइनाइट, ये सब आंसर लिखा हुआ है। आओ एक क्वेश्चन और लिखते हैं, डोमेन ऑफ वन अपॉन x²-3, डोमेन ऑफ x²-3, इसका आंसर है, इसकी डोमेन है r-√3 to √3। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? अभी मैं लाग का बता दिया हूं, इसमें एक लाग का क्वेश्चन दे देता हूं और उम्मीद करते हैं आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लो लॉग का, डोमेन ऑफ fx = log(1+x³)/10 और इसका आंसर है, इसका डोमेन फंक्शन की है -1 टू इनफाइनाइट।
ठीक है, ये मैं पांच क्वेश्चन चार क्वेश्चन कह दिया। इस चार क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें और अगर इतना करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि डोबे ने जो आपको निकाला धीरे धीरे आने लगेगा। आप ये समझ लो अभी इसमें डोबे ने निकालने में हम लोग 1% क्वेश्चन किए हैं, ओनली 1%। इतने तरह के डोबे ने जाते हैं उसमें से हम केवल 1% क्वेश्चन किए हैं। अभी आप इतना सीखें फिर कल बात करते हैं।